राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और समेकित बाल विकास के सहयोग से संचालित बाल स्वास्थ्य पोषण माह वर्ष में जून और दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ये विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम टीकाकरण का एक अभिन्न अंग है। इस संबंध में परिवार कल्याण महानिदेशक नीना गुप्ता द्वारा पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि इस वर्ष यह 3 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाएगा। सरकार द्वारा वर्ष 2019 और 20 में BSPM के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के लगभग 2.51 करोड़ बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य और ICDS विभाग के साथ उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई यूनिसेफ गैर सरकारी संगठन न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का भी सहयोग रहेगा। उक्त जानकारी के अनुसार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया ईसानगर जनपद खीरी में अधीक्षक डॉक्टर बीके स्नेही ने समस्त स्टाफ की ट्रेनिंग में दी है। डॉक्टर स्नेही ने बताया कि बाल स्वास्थ्य पोषण माह का उद्देश्य 9 माह से 15 माह की आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन ए के कवरेज को बढ़ाना है। सभी कुपोषित बच्चों को दोबारा वजन बढ़ाना, नियमित टीकाकरण के दौरान लक्षित बच्चों के साथ साथ छूटे हुए बच्चों का प्रतिरक्षण करते हुए 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना, जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी आहार देने के बारे में लोगों को बताया है। प्रदेश में 60% बच्चों में विटामिन ए की कमी होने का खतरा होता है, जो कि बच्चों में बीमारी और मृत्यु दर की संभावनाओं को बढ़ाता है।